नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबी टॉक पर। मैं हूं केबी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्या तप यानी कि इंसुलेशन के बारे में। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आज हमारा यह भाग दो होगा, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के अध्याय दो में हम पहुँच चुके हैं। अध्याय एक में हम लोगों ने जाना था पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, उसका संगठन किस प्रकार से है, उसकी संरचना किस प्रकार से है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है या आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में आइडिया नहीं है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आप लोग कंटिन्यू करिए। मैंने आपको जो क्लाइमेटोलॉजी का इंट्रो लेक्चर था उसमें यह बताया था कि क्लाइमेटोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जिन क्रम में मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आप लोग जलवायु विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसी क्रम में सारे वीडियो को देखिएगा। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमें बात करनी है सूर्य तप के बारे में, लेकिन हम लोग सूर्य तप को जाने उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सूर्य के बारे में। हालांकि सूर्य के बारे में जब हम लोग सामान्य भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें एक कंप्लीट लेक्चर होगा सूर्य के बारे में, उसमें सूर्य से संबंधित सारे तथ्यों को हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, या कह सकते हैं जो विशालतम स्रोत है, वह हमारा सूर्य है। सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो सूर्य हमारा होता है इसका निर्माण चार भागों में हुआ है। किस प्रकार से? इसके बीच में आपको मिलेगा कोर, उसके बाद में फिर आपको मिलेगा फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल, कोर के बाद में प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के बाद में आपको मिलेगा क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर स्फीयर का मतलब होता है वर्णमंडल मंडल, और इसका जो आखिरी भाग है इसे हम लोग कहते हैं कोरोना। तो कुल मिला करके हमारा सूर्य चार भागों में विभाजित है। जिस प्रकार से आप लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपने वहां भी देखा होगा कि हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से तीन लेयर में बटी हुई है। बीच में हमारा हुआ कोर, उसके बाद में मेंटल, और ऊपर है हमारा क्रस्ट। तो वो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना भी समझिए कि जो हमारा सूर्य है वह चार भागों से मिलकर के बना हुआ है। तो सूर्य के प्रकाश मंडल जिसके बारे में अभी हमने बात की, सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है यहीं से सूर्य की जो सारी एनर्जी होती है वह हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है यहीं से एनर्जी हमारी पूरी पृथ्वी पर पहुंचती है, लेकिन जो हमारे सूर्य के भीतर एनर्जी का निर्माण होता है सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि उस एनर्जी का निर्माण होता कैसे है। यानी कि सूर्य हमें ऊर्जा देती है यह तो हम लोगों ने जाना, लेकिन सूर्य में यह ऊर्जा आती कहाँ है? तो सूर्य का जो पूरा भाग होता है इसके भीतर पाई जाती है हाइड्रोजन नामक गैस। हाइड्रोजन नामक जो गैस पाई जाती है इसके जो परमाणु होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद में निर्माण होता है एक हमारी अक्रिय गैस जिसका नाम होता है हीलियम, जिसका नाम होता है हीलियम। तो इस दौरान जब हाइड्रोजन का परिवर्तन होता है हीलियम के अंदर तो उसी दौरान इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ये सारी घटनाएं हमारे सूर्य के कोर में होती हैं। कोर के अंदर जब ये सारी ऊष्मा का निर्माण होता है तो ये धीरे धीरे सूर्य के भीतर से उसकी सतह पर आने लगती हैं, और सतह पर आने के बाद में यह प्रकाश हमारे पूरे सौर मंडल में फैलता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूर्य के भीतर प्रकाश का जो स्रोत है वह उसके भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। तो यहां पर बीच में हम लोगों ने देखा पृथ्वी का कोर है, सॉरी सूर्य का कोर है, और इसी कोर के भीतर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, जहां से हमारे पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, जहां से ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर पहुंचती
पहुंचती है। अब जो हमारा यह सूर्य है, इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके कोर से इसकी सतह तक प्रकाश आने में कई साल लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके कोर से इसकी सतह तक प्रकाश आने में कई साल लग जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं इसके बाहरी मंडल के बारे में, जिसे हम लोग क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और उसके बाद में होता है कोरोना। जब हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है तो यही कोरोना हमें अंगूठी की तरह दिखता है, यानी कि पूरा भाग इसका चंद्रमा के कारण ढक जाता है और यह हमारा जो बाह्यतम भाग होता है यही हमें दिखाई देता है। तो ये चीजें हमने जानी सूर्य के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सूर्यातप के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, या हम लोगों ने अभी बात की थी कि हमारी पृथ्वी को सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है उसका 2 अरबवां हिस्सा जो प्रकाश आता है, या सूर्य के पास जो प्रकाश है उसका 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि अगर 2 अरबवां हिस्सा मिल रहा है तो सूर्य के पास कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। उसके बाद में हम लोगों को बात करनी है सूर्यातप के बारे में। तो सूर्यातप बेसिकली होता क्या है यह हम लोग समझ लेते हैं। सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को, यानी कि यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उससे जो हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, किस रूप में? ऊष्मा के रूप में, यानी कि ताप के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं सूर्यातप। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं सूर्यातप। इसके अलावा एक यहां पर चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, सौर्य स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में? सौर्य स्थिरांक के बारे में, जिसे हम लोग सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। मान लीजिए आप पृथ्वी पर कोई छोटा सा भाग लेते हैं, इस छोटे से भाग पर प्रति मिनट सूर्य के द्वारा जितनी ऊर्जा आ रही है उसे हम लोग कहते हैं सौर्य स्थिरांक, उसे हम लोग कहते हैं सौर्य स्थिरांक, या सोलर कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। अब यह जो हमारा सौर स्थिरांक होता है यह पृथ्वी के अलग अलग भागों पर अलग अलग होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से यह जो सौर स्थिरांक है वह वैरी करता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि पृथ्वी के किसी भाग पर जो हमारा सूर्य होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट के भीतर जितनी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है उसे हम लोग सौर्य स्थिरांक कहते हैं। तो अब यहां पर हमने जो हमारा सूर्यातप है उसके बारे में जाना कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी को सूर्यातप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या जो यह सूर्यातप हमारी पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है क्या वह सर्वत्र समान है, यानी कि सभी स्थानों पर समान है? तो आप लोगों ने यह देखा होगा कि जो सूर्यातप की मात्रा है वह सभी जगहों पर समान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग शहरों में होंगे, आप में से बहुत सारे लोग गांव में भी रहते होंगे। तो बेसिकली जो लोग शहर में रहते होंगे और जो लोग गांव में रहते होंगे, शहर में रहने वाले लोगों ने यह ऑब्जर्व किया होगा, या ऐसे लोग जो शहर और गांव दोनों में रहे हैं उन लोगों ने खास तौर पर यह ऑब्जर्वेशन की होगी कि जो हमारी गर्मी शहरों में होती है वह गर्मी हमारे गाँव में नहीं होती है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो हमारे सूर्य से मिलने वाला प्रकाश है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊष्मा है वह सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। तो उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी पर तापमान है उसमें विषमता के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वह अक्षांशीय वितरण। अक्षांशीय वितरण का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे जो हमारे सूर्यातप की मात्रा है वह घटती जाती है, वह धीरे धीरे घटती जाती है। अगर यहाँ पर 100 यूनिट सूर्यातप मिल रहा है तो ध्रुवों पर आपको केवल 40 यूनिट सूर्यातप मिलेगा। इसके पीछे का क्या कारण होता है कि आखिर में क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे का मुख्य रूप से कारण होता है कि देखिए जो हमारे सूर्य से प्रकाश आ रहा है हमारी भूमध्य रेखा पर वह सीधा पड़ता है, लेकिन हमारे ध्रुवों पर यह तिरछा पड़ता है। यह मुख्य रूप से हमारे जो ध्रुव होते हैं उन पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, इसीलिए वहां पर सूर्यातप की जो मात्रा है वह कम होती है। अब कैसे यह कम होती है अभी हम लोग आगे इसको और डिटेल में समझते हैं।
पहला कारण यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पृथ्वी का कोई तल है, मान लीजिए कि ये हमारे पृथ्वी का कोई तल है, इस पर आपने सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व किया, आपने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एरिया आपने डिसाइड कर लिया, और इसके भीतर से जो हमारी सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं उसको आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े स्थान पर सूर्य की किरणें आ रही हैं वो उनकी जो इंटेंसिटी है वह काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक इसी क्रम में आप लोग यहाँ पर एक और तल लीजिए, वहाँ पर भी सूर्य से आने वाले किरणों को ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिएगा ये लीजिए आप, फिर आपने इसी तरीके से एक रीजन लिया, एक क्षेत्र लिया 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े एरिए के, अब इसमें से सूर्य से आने वाली तिरछी किरणों को आप ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमने सीधी किरणों को ऑब्जर्व किया था लेकिन यहाँ पर हम सूर्य से आने वाली तिरछी किरणों को ऑब्जर्व करेंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन के दौरान आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा था वह कम क्षेत्र पर पड़ रहा है, जब सूर्य का प्रकाश सीधा था तो वह कम क्षेत्र पर पड़ रहा है, उसी क्रम में जो हमारा सूर्य का प्रकाश तिरछा रहा है वह इसके कंपेरिजन में अब ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या तात्पर्य होता है, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 4 रोटी है और आपको इसे 4 लोगों को खिलाना है तो सबको मिलेगी 1-1 रोटी, लेकिन अगर आपके पास 4 ही रोटी है और आपको इसे खिलाना है 6 लोगों को तो क्या होगा, क्या सारे लोगों को अब उसी समान रोटी मिल पाएगी, नहीं, अब उसकी जो मात्रा है वह कम पड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे ये एरिया आपने देखा, यहाँ पर जो हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह कम क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो अगर सूर्य का जो प्रकाश है वह कम क्षेत्र पर पड़ रहा है तो उस स्थिति में यह जो क्षेत्र है इसको ज़्यादा सूर्यातप मिलेगा, कम क्षेत्र पर पड़ रहा है इसलिए इसको ज़्यादा सूर्यातप मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्थान है यह बढ़ चुका है, एरिया जो हमारी है वह बढ़ चुकी है, और उस दौरान जब सूर्य का प्रकाश है वह उसी रीजन से आ रहा है जिस रीजन से हमारा यहाँ पर आ रहा था, यानी कि हमने 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े स्थान से सूर्य से आने वाले किरणों को ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस स्थान पर जो आने वाले सूर्यातप की मात्रा है, यानी कि सूर्य का जो तापमान है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसकी मात्रा कम होगी। यही रीजन होता है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा सूर्यातप है उसकी मात्रा घटती जाती है, लेकिन फिर भी जो हमारा भूमध्य रेखा है सूर्यातप की मात्रा वहां पर उतनी ज्यादा नहीं होती है। क्यों, मैं आपको यहां पर बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारी हो गई पृथ्वी, यहां पर हमारा हो गया सूर्य, सूर्य से आने वाली जो किरण है भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर, इक्वेटर पर क्या होता है कि यहां पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वह काफी ज्यादा होती है, इस कारण से यहां पर हमारे क्लाउड का निर्माण हो जाता है, क्लाउड का निर्माण हो जाता है, क्लाउड के अंदर हमारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, यानी कि हमारे जो बादल होते हैं उसमें छोटी छोटी जल की बूंदे होती है, और ये जल की बूंदे सूर्य से आने वाली ऊष्मा की मात्रा को हमारे वायुमंडल में ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी कि परावर्तित कर देती हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमारे भूमध्य रेखा पर जब वहां पर बादल होते हैं तो उस समय जो सूर्यातप की मात्रा है वह उतनी ज्यादा प्राप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुवों पर तो कमी होती होगी लेकिन जो हमारे यहाँ बीच के रीजन है यानी कि कर्क रेखा या उसके आसपास के रीजन वहां पर सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय वितरण का एक जो दूसरा कारण है वह भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ है उसका वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ है उसका वायुमंडल, अब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वह हमारे भूमध्य रेखा पर आ रहा है, जो हमारा प्रकाश यहां पर आपको भूमध्य रेखा पर दिख रहा है इस प्रकाश पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
इस प्रकाश को हमारे वायुमंडल में काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, हमारे वायुमंडल में काफी कम दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अपने उच्च अक्षांशों की तरफ, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यह प्रतीत होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, जहां पर हमारा वायुमंडल विरल है या जहां पर हमारा वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह थोड़ी सी कम है, वहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर हमारे वायुमंडल की ऊंचाई ज्यादा है या हमारे सूर्य से आने वाली किरणों को हमारे वायुमंडल में ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है, वहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, वहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। अब सवाल आपके मन में यहां पर यह भी उठ सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहां पर वायुमंडल में कम दूरी ये ट्रेवल कर रही है, यहां पर ज्यादा दूरी, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इसको अभी हम लोग वायुमंडल का जब प्रभाव पड़ता है हमारे सूर्य ताप पर, तो वहां पर ये चीजें मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों जहां पर हमारा वायुमंडल सघन होता है या जहां पर हमारे वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पर सूर्य ताप की जो मात्रा है वह क्यों कम हो जाती है। अभी हम लोग आगे इसको भी डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य ताप की मात्रा पर दिन रात का क्या प्रभाव पड़ता है। दिन रात के बारे में हम लोगों ने आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक सेपरेट अध्याय है, उसको आप लोग जा करके देख भी सकते हैं। हम अगर बात करें सूर्य के बारे में, तो सूर्य हमारा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर यह लंबवत होता है। उसके बाद में यही जो हमारा सूर्य है यह 22 दिसंबर को हमारे मकर रेखा पर लंबवत होता है, हमारे मकर रेखा पर यह लंबवत होता है। इसीलिए 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसीलिए 22 दिसंबर को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो आइए हम लोग दिन रात के इस प्रभाव को थोड़ा सा समझते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे 21 मार्च से लेकर के 21 सितंबर के बीच के समय को। इस समय 21 मार्च से जो 21 सितंबर का समय होता है, इस दौरान जो हमारी पृथ्वी होती है वह सूर्य के तरफ झुकी होती है, जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के तरफ झुकी होती है। यहां पर आप देखिए, ये ऊपर हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारी पृथ्वी का नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? भूमध्य रेखा के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि भूमध्य रेखा पर जो हमारे दिन और रात होते हैं उनकी जो अवधि होती है वह एक समान होती है। जो हमारा भूमध्य रेखा है यहां पर दिन और रात की जो अवधि होती है वह एक समान होती है। लेकिन इस दौरान जब हम बात करते हैं 21 मार्च से 21 सितंबर के बीच, तो यहां पर जो हमारे दिन और रात की अवधि होती है उनमें अंतर आ जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे जो दिन होंगे वह बड़े होते जाएंगे और हमारी रातें यहाँ पर छोटी होती जाएंगी। उसके अलावा भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे, नीचे का तात्पर्य है कि दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो दिन है उसकी अवधि छोटी होगी लेकिन रातें यहाँ पर बड़ी हो जाएंगी। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जाहिर सी बात है कि जिस स्थान पर दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी उस स्थान पर सूर्य ज्यादा समय तक चमकेगा, उस स्थान पर जो हमारा सूर्य है वह ज्यादा समय तक चमकेगा। और जब किसी स्थान पर सूर्य ज्यादा समय तक चमकेगा तो उस स्थान पर जो सूर्य ताप है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस समय, जैसे कि मैं इस वीडियो को अगस्त में बना रहा हूं, तो इस समय हमारे भारत में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारी जो दिन होते हैं वह काफी बड़े होते हैं, हमारी पृथ्वी को जो सूर्य ताप है वह काफी ज्यादा मिलता है और जो हमारा सूर्य है वह कर्क रेखा की तरफ होता है, जो हमारा सूर्य होता है वह कर्क रेखा की तरफ है। और धीरे धीरे अब यह जो सूर्य जो 21 जून को कर्क रेखा पर था, अब यह धीरे धीरे हमारी मकर रेखा की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये हमारा
भूमध्य रेखा को पार कर जाएगा तो हमारे यहाँ भी ठंडी का जो मौसम है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब ठीक यही स्टोरी आगे भी होती है 21 सितंबर से 23 मार्च के बीच। 21 सितंबर से 23 मार्च के बीच जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो दक्षिणी ध्रुव है वह सूर्य की तरफ होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव हमारा सूर्य से अलग होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो सिचुएशन ऊपर हमने देखी थी वह उल्टी हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पर जो आपके दिन है वह छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि 21 सितंबर से जो हमारे मार्च या फरवरी तक का महीना होता है उस समय हमारे यहाँ पर ठंडी पड़ती है और हमारे जो दिन होते हैं वह काफ़ी छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा दिन है उसकी अवधि बड़ी हो जाएगी लेकिन रातें हमारी छोटी हो जाएंगी। तो इसीलिए दिन रात का प्रभाव पड़ता है सूर्य तप पर। तो यहाँ पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि जिस स्थान पर हमारे दिन बड़े होंगे वहां पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी और जिस स्थान पर हमारी रातें बड़ी होंगी उस स्थान पर हमारे सूर्य तप की मात्रा कम होती जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो फैक्टर है जो हमारे सूर्य तप को प्रभावित करता है वह है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, वह है हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी। आपको मैंने पृथ्वी की गति वाले अध्याय में बताया था कि जो हमारा सूर्य होता है उसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के कारण कभी कभी हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के नजदीक आ जाती है, सबसे निकटतम बिंदु पर होती है, और कभी कभी यह सबसे दूरस्थ बिंदु पर होती है। हमारी पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो वह समय होता है 3 जनवरी और जब यह सबसे दूर होती है तो वह समय होता है हमारा 4 जुलाई। 3 जनवरी का जो समय होता है इसे हम लोग अप उपसौर कहते हैं और 4 जुलाई का जो समय होता है उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे करीब होती है 3 जनवरी को, तो उस समय हमारे यहाँ पर ठंडी क्यों होती है? जाहिर सी बात है कि जब हमारी पृथ्वी नजदीक होगी सूर्य के तो उस समय जो इसको तापमान मिलेगा वह ज्यादा होगा, हमारी पृथ्वी को जो मिलने वाला सूर्य ताप है वह ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में 3 जनवरी को हमारे यहाँ पर सर्दी नहीं पड़नी चाहिए या हमारे यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है इसको आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। 4 जुलाई के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। 4 जुलाई के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि उस समय जो हमारा सूर्य होता है वह पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पर होता है, लेकिन जो हमारी कर्क रेखा है उस पर सूर्य हमारा सीधा चमकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी यहां पर कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर इस समय हमारा जो सूर्य है वह लगभग सीधा चमक रहा होता है। तो यहां पर क्या होता है कि इस दौरान जो हमारे पृथ्वी को मिलने वाला सूर्य तप है उसकी मात्रा में 7% की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि हमारा सूर्य इस समय पृथ्वी से दूर स्थित होता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को जो मिलने वाली गर्मी है या हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी होती है वह उतनी नहीं होती है जितनी होती चाहिए। हमारे यहाँ पर जो गर्मी की तीव्रता होती है उसमें लगभग 7% की कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो इसको जो मिलने वाला सूर्य तप है इसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर गर्मी कम होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें 3 जनवरी के बारे में, तो 3 जनवरी को आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि 3 जनवरी को जो हमारा सूर्य होता है वह लगभग मकर रेखा के आसपास होता है, मकर रेखा के आसपास होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय यहाँ पर जो हमारी मकर रेखा है वहां पर जब सूर्य उसके आसपास है तो इस रीजन को जो मिलने वाला सूर्य तप है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन
यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारे उत्तरी गोलार्ध को और हमारे दक्षिणी गोलार्ध को, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर लगभग 60% भूमि है और 40% समुद्र है, लेकिन जब आप दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचेंगे तो यहाँ पर 80% भाग पर जल है और केवल 20% भाग पर यहाँ पर भूमि है। जब हम लोग वायुमंडल के तापमान के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा यह लैंड होता है इसकी यह विशेषता होती है कि यह हमारा जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो हमारा जल होता है यह ना तो जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है। तो इसीलिए 3 जनवरी को सबसे पहली बात कि जो हमारा सूर्य है यह मकर रेखा पर चमकता है, तो मकर रेखा पर चमकने के कारण यहाँ पर लैंड काफ़ी कम होता है, जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सूर्य तप है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग बात करते हैं 4 जुलाई के बारे में, तो उस समय जो हमारा सूर्य तप है उसमें भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वह काफ़ी दूर स्थित होता है हमारी पृथ्वी से। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उससे भी सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन होता है। अगला जो फैक्टर है जो हमारे सूर्य तप को प्रभावित करता है वह होता है सौर कलंक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में यह सौर कलंक होता क्या है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो यह सूर्य का फोटोस्फीयर होता है या जो इसका कोर होता है, इसके भीतर किसी कारण से कोई डिस्टर्बेंस हुआ या इसके भीतर ये जो गैसें पाई जाती हैं इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट हो जाता है, तो उस स्थिति में वहाँ से एक भयंकर मात्रा में जो हमारी सूर्य की ऊर्जा होती है वह एक साथ निकलती है। तो वह ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा निकलती है वह हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जब हमारे सूर्य के भीतर सौर कलंक की मात्रा में वृद्धि होगी तो उस दौरान हमारी जो पृथ्वी है उसको सूर्यातप ज़्यादा मिलेगा, उसके दौरान उसको सूर्यातप ज़्यादा मिलेगा। हालांकि ये जो सौर कलंक होते हैं ये कुछ ही समय के लिए होते हैं और मुख्य रूप से हमारे सूर्य के फोटोस्फीयर में इनका निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है? कि हमारे सूर्य के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हुआ या वहाँ पर गैसों के बीच में विस्फोट हुआ, तो उसके द्वारा निर्माण होता है हमारे सौर कलंक का। सौर कलंक के बारे में बात करें तो ये गहरे रंग के शीतल क्षेत्र होते हैं। क्यों शीतल क्षेत्र होते हैं? कि जब किसी स्थान पर विस्फोट होगा तो वहाँ से अपार मात्रा में ऊर्जा निकल जाएगी, तो यहाँ पर एक काले रंग का भाग बच जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब हमारे सूर्य में इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो जो हमारे पृथ्वी को मिलने वाला सूर्य तप है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सौर कलंक में कमी होती है वैसे वैसे हमारे पृथ्वी को जो मिलने वाला सूर्य तप है इसकी मात्रा में भी कमी हो जाती है। तो सौर कलंक के बारे में यहाँ पर जाना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है सूर्य तप पर। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ों को डिस्कस किया वह सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी के बाहर थी, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल था उससे बाहर की चीज़ें थी। अब हम समझते हैं कि जो हमारा वायुमंडल होता है वह किस प्रकार से सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई और ये हमारे वायुमंडल का ऊपरी सतह हो गई, यानी कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई का जो हिस्सा है। अब हमारे वायुमंडल में कहीं कहीं पर बादल पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वायु ऊपर उठेगी, ठंडी होगी तो बादलों का निर्माण होगा। तो जो हमारे ये बादल पाए जाते हैं इन पर जब हमारे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इनके द्वारा इन किरणों का परावर्तन हो जाता है। जो ये हमारे सूर्य की वेव होती हैं इनको बादलों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। क्यों? यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमारी वाटर की ड्रॉपलेट पाई जाती हैं, छोटी छोटी बूंदे पाई जाती हैं और वह इसको परावर्तित कर देती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं अल्बिडो। इसी को जो कोई भी सतह होता है जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है उसे हम लोग कहते हैं अल्बिडो। अभी हम लोग जब पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मैं अल्बिडो के बारे में और चीजें आपको बताऊंगा।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तन, या इसे हम लोग रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब जब किसी स्थान पर बादल होगा, जैसे हम लोगों ने बात की थी भूमध्य रेखा के बारे में, तो यहाँ पर जब बादल होगा तो जो हमारे सूर्य तप है जो इस स्थान को मिलना चाहिए, अब वह उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा। वह उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बादल हैं वह सूर्य तप की काफ़ी मात्रा को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद में अगली चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है, यह भी आपका इन्हीं बादलों के समान ही होता है, या जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं उन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा इस समय दिन की बात, जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ दिन है, हालांकि जब जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर ना तो कोई लाइट जल रही है और ना ही कोई अन्य माध्यम है प्रकाश का, लेकिन फिर भी दिन है और हमारे कमरे में उजाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सूर्य है उसके द्वारा जो उसकी किरणें पृथ्वी को प्राप्त हो रही हैं वह विसरित हो रही हैं। किस प्रकार से, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी खिड़की से जो प्रकाश आ रहा होता है आपके रूम के भीतर, वह सूर्य के विसरित प्रकाश ही होता है। तो ये हम लोगों ने जाना विसरण के बारे में, ये भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसके बाद में अगली चीज़ हो गई अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, हमारे वायुमंडल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं और धूल कण पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं ये सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर अवशोषित कर लेती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जलवाष्प होते हैं यानी कि वाटर वेपर होते हैं उनकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है इस प्रकाश को अवशोषित करने का। जाहिर सी बात है कि जब हमारे वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाएगा तो उस स्थिति में जो हमारा प्रकाश मिलना चाहिए पृथ्वी को वह नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। अगला फैक्टर हो गया जिसे हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। स्कैटरिंग किन के द्वारा होता है, हमारे जो वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, इन धूल के कण पर जब हमारे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, आपने देखा होगा कई बार आपको चमकते हुए चीज़ें आपको वायुमंडल में दिखाई पड़ती हैं, तो इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो इसको स्कैटर्ड कर देती हैं यानी कि प्रकीर्णित कर देती हैं, और यहाँ से ये छोटी छोटी इंटेंसिटी में हमारे वायु पृथ्वी पर मिलने लगती हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं यह वायुमंडल में हमारे सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में जानेंगे, फिर हम वायु के तापमान के बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारे तथ्यों को इसी तरीके से समझते हुए जाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी तथ्य ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।